हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज का मेरा व्लॉग होने वाला है अंबुजा मॉल का। जी हाँ, आज है संडे का दिन और हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए और थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। वो क्या है ना, संडे का दिन हम दोनों का ऑफ रहता है, मतलब वो भी अपने काम से थोड़ा सा छुट्टी ले लेते हैं और मैं भी थोड़ा सा फ्री रहती हूँ। तो हाँ, हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताते हैं संडे के दिन, क्योंकि देखो यार, हफ्ते में एक ही दिन मिलता है। तो इसलिए आज हम लोग निकल गए अंबुजा मॉल के लिए एंड फाइनली हम अंबुजा मॉल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग एंट्री ले रहे हैं एंड फटाफट यहाँ पर हम लोग गेट पास भी ले लेते हैं और चलते हैं, फिर कार को पार्क कर देते हैं। बट गाइस, मैं यहाँ पे बताऊँ ना, अंबुजा मॉल में जो पार्किंग के लिए अगर हम जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब है यार, मतलब बहुत डर लगता है। यहाँ पे जो बेसमेंट पार्किंग इन्होंने बनाया हुआ है, लिटरली ऐसा लगता है ना कि मतलब कंट्रोल ही नहीं होता, कार वगैरह चलाते रहो तो, और बहुत थोड़ा सा डरावना है। तो वैसे काफ़ी मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। और हम लोग यहाँ पर पार्किंग कर लिए, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, आई मीन पहुँच चुके हैं अंबुजा मॉल के लिए। तो मॉल में हम लोग एंट्री कर लेते हैं और अगर मैं लुकिंग वाइज बोलूँ ना, अंबुजा मॉल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ का इंटीरियर वगैरह एंड यहाँ का मतलब जो इन्वायरमेंट है और जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड बहुत कैजुअल सा आज मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, कंफर्टेबल, मतलब ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ आइसक्रीम वगैरह हम लोग खाए यहाँ पर, और मैंने मैंगो फ्लेवर ट्राई किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर देखो यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है केक का, और यहाँ पर मैंने बहुत सारा फ़ोटो वगैरह शूट किया। मतलब ये वैसे यहाँ पर DSLR तो अलाउ नहीं होता है मॉल के अंदर। फिर हम लोग आगे चले गए गेम जोन में, और गेम तो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं खेला क्योंकि आज मूड नहीं था गेम वगैरह खेलने था। लास्ट टाइम अगर हम लोग वहाँ हम लोग आए थे ना अंबुजा मॉल, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे गेम वगैरह खेले थे। फिर उसके बाद भूख लग रहा था, फिर हम लोग पहुँच गए गुपचुप खाने के लिए, और आपको पता है कि गुपचुप मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और लड़कियों का तो फेवरेट होता है यार गुपचुप, बट मेरे हस्बैंड को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद है बट उतना ज़्यादा नहीं, जगह देख देख के वो खाते हैं। और उन्हें केवल एक ही शॉप है ना रायपुर में महाराजा का गुपचुप, वहीं का ही गुपचुप उन्हें पसंद है, तो वो अपने लिए यहाँ पर भेल ऑर्डर करवा लिए हैं। और मैंने देखा है ना कि लड़कों को गुपचुप से ज़्यादा भेल ज़्यादा पसंद आता है, तो यहाँ पर वो भेल ऑर्डर कर दिए और फाइनली मेरा गुपचुप यहाँ पर रेडी हो चुका है। बट यहाँ पे गुपचुप देने का स्टाइल ना इनका कुछ अलग ही था। ग्लास में मुझे गुपचुप पानी दिया गया था और ऐसा प्लेट में गुपचुप, बट वो होता है ना कि जो गुपचुप वाले भैया होते हैं ऐसे बना बना के खिलाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। फिर हम लोग खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए H&M, जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट ब्रांड है, और वो एक्चुअली यहीं से ही ज़्यादातर अपना शॉपिंग करते हैं हुडी वगैरह। तो मैंने यहाँ पे लड़कियों के कुछ कुछ कपड़े देखे, वैसे बहुत अच्छा अच्छा था, बट मैं ऑलरेडी दिवाली का शॉपिंग अपने लिए कर चुकी थी, फिर मैं यहाँ पर कुछ नहीं ली। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जॉगर्स हुडी वगैरह कुछ कुछ ठंड के अकॉर्डिंग कुछ कुछ कपड़े उन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट किए। फिर शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग मैकडोनल्ड्स के लिए निकल गए और यहाँ पर कुछ खाने के लिए, वैसे मैं बताऊं बर्गर मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, तो वो हमेशा जब भी मॉल वगैरह आते हैं अंबुजा मॉल तो मैकडोनल्ड्स ज़रूर जाते हैं। और देन यहाँ पे मैंने अपने लिए जो चीज़ बॉल होता है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब चीज़ से रिलेटेड जो भी खाने की चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए चीज़ बॉल ऑर्डर कर ली। और बर्गर तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने ही अकेले खाया वो बर्गर वगैरह। फिर यहाँ पर खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए, मतलब घर की कुछ कुछ चीज़ें थी वो हमें ख़रीदनी थी। यहाँ पर हम लोग चिप्स वगैरह और भी जो ज़रूरी सामान है जैसे कि शैम्पू, ये वो साबुन वगैरह, सॉप वगैरह, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर, जो किराना सामान है ना, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर खरीद रहे थे। और शॉपिंग वगैरह होने के बाद काफ़ी अच्छा था यहाँ का, मतलब ये जो अंबुजा मॉल में सबसे बेसमेंट में है गाइस, अगर आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। मतलब यहाँ पे ऐसा था ना, हर प्रोडक्ट के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो मैंने तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान वगैरह लिया। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थक गए थे चलते चलते, फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए, और यहाँ पर बेसमेंट में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे बैठना, काफ़ी ठंडा लगता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम लोग जो कुछ कुछ सामान खरीदे थे ना, हम लोग टेस्ट वगैरह कर रहे थे चॉकलेट, और अपने हस्बैंड की मैं बात करूँ तो उनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है बट उनको बहुत पसंद है मीठा। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चिप्स वगैरह खा रहे थे। आई होप आज का मिनी व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।